Hello everyone, welcome in virtual classroom. This is your educator Amit Tiwari. तो आज हम जो अपना वर्चुअल टूर है उसके लिए हम जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने हैं, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये टाइगर रिजर्व सेंचुरी है। तो अभी हमने पढ़ा था हम कैसे स्पीसीज को प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट भी कई सारे फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है, जहाँ पे इन स्पीसीज को सेव किया जाता है और फॉरेस्ट एरिया को सेव किया जाता है। चलिए हम इसको विजिट करने चलते हैं। तो ये हम गूगल गूगल अर्थ पे आ चुके हैं। ये देखिए, ये इसका साइड है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कर्नाटक में स्थित है। बैंगलोर से 250 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और चिकमंगलोर टाउन में स्थित है। और ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भद्रा रिवर के किनारे भी बनी हुई सेंचुरी से और अराउंड 500 किलोमीटर 490 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैली हुई है। और यहाँ कई सारी स्पीसीज यहाँ पे रिजर्व की जाती है और यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व किया जाता है और कई सारी स्पीसीज यहाँ पे मिलती है और ये बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। हम यहाँ पे अब विजिट करेंगे, इसको देखेंगे कैसा है। ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ पहले सेंचुरीज की। ये देखिए कितने ग्रीनरी एरिया है, ये वहाँ पे रहने की जो इसमें व्यवस्था भी है। अगर आप घूमने जाते हैं तो होटल्स वगैरह हैं, आप यहाँ पर जंगल सफारी कर सकते हैं, बर्ड सींग कई सारे पक्षी हैं यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे और काफी अच्छे हैं। यहाँ पे बोटिंग भी आप कर सकते हैं, रिवर के किनारे है ये सेंचुरी। और देखिए यहाँ पे काफी लोग जाते हैं जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखना होता है वो सब यहाँ घूमने जाते हैं। आपको देखिए ये इसका पूरा जो हेडर्स है, ये देखिए ये आपने देखा होगा यहाँ पे लोग जो व्हीकल्स है यहाँ से जो आ रहे हैं, ये यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी। हिल एरिया भी है और काफी अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाने पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेचर को देखने का मौका मिलता है। अभी हम वर्चुअल टूर कर रहे हैं सेंचुरी का। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको जो है स्ट्रीट व्यू दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये पूरा एरिया है, यहाँ पे डैम बना हुआ है और हिल एरिया है, ग्रीनरी है, यहाँ पे टाइगर्स हैं, रिजर्व एरिया है, बर्ड स्पीसीज है, कई सारी स्पीसीज है। तो ये कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पे हम एनवायरमेंट को सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं स्पीसीज को। तो ये देखिए हम थोड़ा सा ट्रेवल करते हैं आगे की तरफ। ये आपको देखिए ये रोड जा रहा है, यहाँ पे ये पॉन्ड्स का बना हुआ है, वाटर कंजर्वेशन है। इसके अंदर जाके देखते हैं नीचे की तरफ। देखिए ये रोड था, यहाँ से नीचे आ गए हैं, ये जो है एरिया है ये हम इसके किनारे ही हैं अभी। ये देखिए इसके आसपास का एरिया हम देख रहे हैं, वापस ऊपर चलते हैं फिर हम बाहर चलते हैं यहाँ से। अब हम इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये हमने देख ही लिया था, ये पूरा स्टार्टिंग एरिया था जहाँ पे डैम बना हुआ है, पूरा वाटर एरिया है। ये देखिए ये पूरा आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा है। ये बारिश में एकदम ग्रीन हो जाता है, अभी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। ये पूरा डाउन एरिया है, यहाँ से हम नीचे चले, ये पूरा है। यहाँ पे देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं पूरा इसको, ये आपको दिख रहा है पूरा। यहाँ से बाहर आ गया हूँ जैसे हम यहाँ आए थे, यहाँ भी आपने देखा था। ये देखिए पूरा एक ये पूरा कितने बड़े एरिया में फैली हुई सेंचुरीज है, ये वाटर पॉन्ड्स है। देखिए ये पूरा पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, रिवर दिखाई दे रही है, भद्रा रिवर है जिसके ऊपर डैम बना हुआ था। इधर हम चलते हैं, ये देखिए ये डैम के ही किनारे का सीन है, भद्रा रिवर के आसपास की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरी। ये देखिए ये हम यहाँ आ चुके हैं कई बार, इधर चलते हैं अब। ये नेक्स्ट व्यू हम देखते हैं इसका, ये देखिए यहाँ पे फाउंटेन भी गिरते हैं यहाँ पे कई सारे। देखिए कितना ही नेचुरल इन्वायरमेंट है, पीसफुल इन्वायरमेंट सीनरी है, यहाँ पे लोग आते हैं और घूमते हैं पूरे सेंचुरी को। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा जब जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है ये।
ये सिग्नल इनका यूज यही है कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए बनाई जाती है कि हम नेचर को प्रिजर्व कर सकें, उसकी स्पीसीज को प्रिजर्व कर सकें और फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकें। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट ही है, तरीके हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये इससे का ब्रिज बना हुआ है रिवर के ऊपर, छोटा सा जो एरिया है घूमने के लिए ब्रिज बनाया हुआ है यहाँ पे, ये है। ये रिवर साइड है, तो इसमें कई सारे जो जिनको नेचर देखने के, यहाँ पे जो बाइक से भी लोग आते हैं और ये नेचुरल एनवायरनमेंट देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाने पर। आप भी जरूर जाइए कभी ऐसी, हमारे राजस्थान मालूम है रणथंभौर नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व पार्क है जो कोटा और बूंदी से काफी नियरेस्ट है और बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पे जो गढ़ भी बना हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा गढ़ बना हुआ है, आप उसको भी देखें और सेंचुरी भी देखें, टाइगर रिजर्व सेंचुरी रणथंभौर वो नियरेस्ट है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ देखिए लोग भी देखने आते हैं, ये घूम रहे हैं लोग, ये लोग घूमने आते हैं, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है इसलिए सो आपको देख रहा है सब। फिर डैम हमने देख लिया, बर्ड स्पीसीज ये यहाँ पे देखिए आप, सनसेट पॉइंट से ये देखिए यहाँ पे कितना स्पीसीज है, बर्ड स्पीसीज आपको दिखाई देंगे, अच्छी जगह देखिए, सारी स्पीसीज हैं जो आपको देखनी है वो आप देख सकते हैं यहाँ के। ये कर्नाटक में स्थित है, बद्रा टाउन में, बद्रा रिवर के एक बद्रा लाइफ सेंचुरी है। ये देखिए टाइगर आपने देखा था, यहाँ सब आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े एरिया में फैली सेंचुरी है, 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई सेंचुरी है। ये सनसेट पॉइंट भी, ये बहुत ही अच्छी जगह है, आप एक बार जरूर जाइए यहाँ पे, आप समझेंगे कैसे नेचर को प्रिजर्व की करते हैं हम, कैसे हम बचा सकते हैं अपनी वाटर बॉडीज को, कैसे उसको नेचर और स्पीसीज को हम कर सकते हैं। तो ये तो हमने पूरा देख लिया है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी ये विजिट। गुड बाय, अब हम वापस से हमारे चैप्टर्स की तरफ चलते हैं, तो ये हमारा वर्चुअल टूर था बदला।